आईपीएल 2022 में कई सारे ऐसे युवा तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। इनमें उमरान मलिक का नाम है जिन्होंने इस आईपीएल की अभी तक की सबसे तेज गेंद फेंकी है 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान ने भी सभी को अपनी लाइन और लेंथ से प्रभावित किया है। वहीं अगर हम बात करें तो कुलदीप सेन जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस साल खेलते हुए दिखाई दिए हैं, उन्होंने भी सभी को अपनी गेंदबाजी से अपना मुरीद बना लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक खिलाड़ी ऐसा है जो अपना अलग मुकाम बना रहा है। वो खिलाड़ी कोई और नहीं है, वो खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह। आखिर अर्शदीप सिंह क्यों इन सभी में सबसे खास हैं? क्या ऐसी बात है जो अर्शदीप सिंह को सबसे अलग बनाती है? इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना है एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है? स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले आपको मिल सके। हम बात कर रहे थे अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह ने इस आईपीएल में डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की है। स्लॉग ओवर्स में उनकी गेंदों पर रन बनाना काफी मुश्किल है और एक यही बात है जो अर्शदीप सिंह को सबसे खास बनाती है। हालांकि वो एक स्पेशल टैलेंट है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है इरफान पठान का। इरफान पठान के अलावा यही बात हरभजन सिंह ने भी कही है। हरभजन सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि अर्शदीप सिंह को जल्द से जल्द टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ऐसी वो क्या स्पेशलिटी है जो अर्शदीप सिंह को बाकियों से अलग करती है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह नई गेंद से भी गेंदबाजी करते हैं, उनको स्विंग भी मिलती है, उनमें वो धार भी है, उनके पास वो रफ्तार भी है। लेकिन जब बात आती है स्लॉग ओवर्स की तो स्लॉग ओवर्स यानी कि डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह की लाइन और लेंथ जो होती है ना उसको मारना काफी मुश्किल होता है। बल्लेबाज कोशिश करते हैं उनकी गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और इन सब के अलावा सबसे खास बात जो है अर्शदीप सिंह के पास वो है उनकी वेरिएशंस। दरअसल अर्शदीप सिंह के तरकश में वो सभी तीर मौजूद हैं जिससे वो बल्लेबाजों को छका सकते हैं और अपनी टीम को विकेट दिला सकते हैं। ऐसा सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, उनके आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अगर आप अर्शदीप सिंह का आईपीएल 2022 का रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने इस सीजन में अभी तक खेले हैं 13 मुकाबले और इन 13 मुकाबलों में उन्होंने विकेट्स तो चटकाए हैं 10, जिसमें कि उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 37 रन देकर 3 विकेट। लेकिन अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो इकोनॉमी देखिए, सबसे खास बात यही है कि अर्शदीप सिंह की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी 8 से भी नीचे है। उनकी इकोनॉमी है 7.82 की और यही चीज जो है वो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है क्योंकि वो अपनी गेंदबाजी में अच्छा खासा मिश्रण करते हैं, वो स्लोअर वंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेंथ में वैरी करते हैं गेंदों को और वहां पर बल्लेबाज जो है वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और अगर वो विकेट नहीं लेते हैं तो वो रन रेट को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार निभाते हैं जो कि एक गेंदबाज में एक खूबी होनी चाहिए। और इसीलिए अब अर्शदीप सिंह को स्पेशल टैलेंट कहा जा रहा है और दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इरफान पठान ने अर्शदीप सिंह को लेकर क्या कहा है। अर्शदीप सिंह को लेकर बात करते हुए इरफान पठान ने कहा कि अर्शदीप टीम के लिए एक स्पेशल खिलाड़ी हैं। उनके पास गेंदबाजी कराने की कला है, स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करने में उन्हें अलग ही महारत हासिल है। उन्होंने डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी जैसे बल्लेबाजों का विकेट चटकाया है जिससे साबित होता है कि वो कितने खास गेंदबाज हैं। तो सुना आपने, इरफान पठान ने कहा कि एमएस धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों को रोक पाना स्लॉग ओवर्स में काफी मुश्किल होता है लेकिन अर्शदीप सिंह ने वो काम करके दिखाया है और उन्होंने ना सिर्फ वो काम किया बल्कि इन दिग्गजों के विकेट भी लिए हैं। इसीलिए अब हरभजन सिंह का तो यह कहना है कि अर्शदीप सिंह को टीम इंडिया में फटाफट से जगह दे देनी चाहिए। और क्या क्या कहा है अर्शदीप सिंह को लेकर हरभजन सिंह ने, चलिए आपको यह भी बताते हैं। अर्शदीप सिंह को लेकर बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, अर्शदीप सिंह के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक निडर गेंदबाज हैं, जबकि कई गेंदबाज दबाव की परिस्थितियों में फंस जाते हैं और बल्लेबाज उनका फायदा उठाते हैं। हमने अर्शदीप सिंह को कगिसो रबाडा जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को सुझाव देते हुए देखा है कि किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है। इससे पता चलता है कि वो क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं और सीनियर खिलाड़ियों के साथ अपने विचार साझा करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। तो देखा आपने, हरभजन सिंह ने भी कहा है कि उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो एक खास खिलाड़ी हैं और इसी वजह से
वो आईपीएल 2022 में अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं। और अगर आप उनकी इकोनॉमी देखेंगे तो इकोनॉमी उनकी जिस तरीके से 7.82 की है वो ये दिखाता है कि उनकी गेंदबाजों पर रन बनाना मुश्किल है। टी20 क्रिकेट में 8 से नीचे की इकोनॉमी को अच्छा माना जाता है और यहां पर अर्शदीप सिंह की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो वो है सिर्फ 7.82 की। और वाकई में इस खिलाड़ी के पास वो टैलेंट तो है कि वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक सकता है, उन पर दबाव बढ़ा सकता है और उनके विकेट चटका सकता है। इसीलिए दुनिया भर के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अर्शदीप सिंह की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह के पास स्पेशल टैलेंट है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह एक स्पेशल टैलेंट है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले आपको यही मिलेगी सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।